आज मुझे जाना है शावीर एंड आयशा की तरफ दावत पे। ये लगेगा यहाँ पे, ठीक है। पहला स्टेप ये है। ये हाथ का बेटा आपका मोए मोए बहुत प्यारी लग रही हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एस्थेटिकली इतना प्यारा लगा, मैं दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का। ये यहाँ पे वीडियो बना लो, फिर वो छोटे किचन में हमारा खाना। तो बताओ कैसा लगा? यार बहुत मजेदार, मेरी बिस्किट है इसके अंदर। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि तुम लोग एक नए घर में मूव हुए हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी और आयशा की तरफ से। आज का दिन हमारा शुरू हो गया है और दिन बहुत अच्छा। आपको पता है कि शादी के बाद जो है वो थोड़ी सी जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं और घर के काम शाम भी थोड़े ज्यादा होते हैं, दावतों शावतें भी ज्यादा हो जाती हैं। तो बस उसी सिचुएशन में मेरे हस्बैंड मुझे दो मिनट में इस व्लॉग में तंग करते हैं। अभी आपको मैं इंट्रो स्टार्ट किया करूंगी तो इरिटेट करते हुए अरीब साहब इधर उधर मंडलाते हुए दिखेंगे, सही है। तो आज मुझे जाना है शावीर एंड आयशा की तरफ दावत पे, उन्होंने हमें बुलाया है और साथ में हमें अपने घर की भी कुछ चीजें सेट करनी थी। हम लोग उस दिन जब शॉपिंग पे गए थे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, तो तब हम लोगों ने वहां से स्टीमर भी लिया था। तो अभी मैंने अरीब साहब को कहा कि मुझे असेंबल करके दें। मुझे कहा नहीं, मुझे हुक्म मिला है कि इसको असेंबल करके दें, तो आपको सिर्फ इसको निकाल के उस कमरे में रखना है जो मेरा वार्डरोब वाला कमरा बना है। वो असेंबल नहीं, इसको असेंबल करना पड़ेगा। इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी? यहाँ फिलहाल गुब्बारे गुब्बारे हैं और कुछ हमारा सारा सामान इधर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अरीब इसको रखे हैं स्विच बोर्ड के पास। यस, हियर। को देखो जरा, पता नहीं डंडे सोटे इनका, समझ नहीं आ रहा जरूरत करना क्या इसको, सिर्फ पॉइंट टाइम। हाँ ये क्या है? ये वो है ना, पहन के इसको थप्पड़ मारने के लिए। ये हैंगर लगने हैं। इसका मैनुअल कहाँ पे? मैनुअल ढूंढो इसका। ये ले भाई, हम इसका मैनुअल चैनल ढूंढते हैं। ये इसमें देखो, इसको देखते हैं असेंबल कैसे करना है। ये असेंबल आ गया, 14 स्टेप है। हाँ ये लगेगा यहाँ पे, ठीक है। पहला स्टेप ये है। और स्विच बोर्ड तो अभी बंद करें, पता लगे वो चल रहा हो। नहीं नहीं चल रहा, बाहर हमारा ही व्लॉग लगा हुआ है। हमें कोई आधा घंटा दे, हम आते हैं जरा। कोशिश करके। A few moments later. जी ये अब आधा जुट चुका है। बस ये लगाना हमने। अरीब पहले पानी भरेंगे उसके अंदर। पानी भरना, हाँ जी, क्योंकि स्टीमर है। अरीब इसे पानी डालना है। हाँ जी, पानी डाल लेता हूँ। पानी फुल हो गया जी, देखते हैं हमारा पहला काम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। इसको उठाए उसको नीचे से। हाँ परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। हमने गलती की है, इसका फेस ना इस साइड पे होना चाहिए था मेरे ख्याल से। हमने उल्टा लगा दिया, हमने उल्टा लगा दिया। हाँ मैंने उल्टा लगा दिया, ये इस तरह आएगा मेरे ख्याल से, इस तरह। ठीक है, ये भी टेढ़ा लगा रहे हैं अभी। अब सीधा भाई। अरीब नहीं, अब सीधा बिल्कुल परफेक्ट है। टेढ़ा टेढ़ा। हाँ ये क्या है? नया सीख रहे हैं हमका, तो डोंट डज जज मी। अब इसको इसके अंदर अटैच कर दें। इसके अंदर अटैच कर, ये अटैच हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। इसको हमारी चीज असेंबल हो चुकी है। चला के देखेंगे मनी, चला के देखेंगे। हे रहमान रहीम, ऑन करना है। ऑन ही है अभी, ऑलरेडी ऑन है, अब ऑफ हो गया, अब ऑन है। अब क्या होगा थोड़ी देर बाद? इसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगी, पानी उबल जाएगा। जैसे चलो जी, मेरा काम हो गया, आगे आपका काम है। इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं आप अपना ट्रिमिंग करा के आए और मैं तब तक अपने काम निकाल लेती हूँ। और मैं अपने साथ अपने लोगों को रखती हूँ, दिखाती हूँ इसका। जी सर, ओके। चलें जी, ये देखें मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं। ये अरीब साहब का सेट है, जब तक वो कटिंग करनी गए मैंने कपड़े निकाल दिए, साथ में शूज़, ये मेरे जूते और ये मेरे कपड़े, ठीक है जी। अब मैं जा रही हूँ जी शावर लेने, फ्रेश होने, और फिर मैं तैयार होती हूँ। तब तक अरीब भी आ जाएंगे, तैयार होकर आपको दिखाती हूँ।
गाइस ये अरीब साहब तो आ चुके हैं और हो गए हैं तैयार। अरीब आपने वो ड्रेस नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आपने वो ड्रेस नहीं पहना जो मैंने बोला था यार। वो ना बेसिकली मैं कह रहा था कि ये पहनेगा, ठीक है, लग रहा है, अच्छे लग रहे हो। मैं तो तैयार हो गया हूँ हाँ, लेकिन ये मैडम जो है ना अभी तक तैयार नहीं हुई। लड़कियों को टाइम लगता है मेकअप करने। लड़की तैयार हो जाए जी। और हमारे ऊपर स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, वो दे वो बाबा पकड़ना मत भाभी। ये झाड़ू वाला गेस्ट है, ये आया हुआ है तंग करने के लिए। ये सुबह के टाइम आता है, अपनी शाम के टाइम आता है, जब सोने के टाइम बस नीचे जाता है, बाकी टाइम हमारे पास रहता है। ये तो उसके मोए मोए हो गया इसके हाथ के साथ। हाथ यहाँ से निकाल लिया, मोए 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 मोए। ये हाथ का है बेटा आपका, आपको मोए मोए। ये देखो शरारती है, बहुत शरारती, आगे से हंस रहा है। मैं हो चुकी हूँ रेडी एकदम बिंदास। माशाल्लाह फुल लुक दिखाएं मेरी सबको। फुल लुक दिखाएं जी, फुल लुक माशाल्लाह। फुल लुक देखें जी मेरी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कहते साहब। मैं अब हाँ, चलते हैं। मेरी नई नवेली दुल्हन ब्लश कर रही है। ब्लश कर रही हूँ मैं इस तरह के कपड़े पहन के ना, तो अजीब सी स्माइल आ जाती है मेरी शक्ल पे, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब बड़ी शर्माहटें आ रही हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा जैकेट रख लें, बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग वार्म। ये देखो जरा इसके काम देखो, इसको कोई काम नहीं है, या ऊपर रहता है या सीढ़ियों में रहता है। बेबी यू वांना कम ऊपर? नो, वो कह रहा नीचे आओ। इतने बैठ गए ठंडे फर्श पे, अब इस तरह मेरा इस्तकबाल कर रहा है। चले नीचे उतरे, नीचे उतरे ना, नीचे उतरे, गुड बॉय। ये देखना 6 घंटे लगा के एक सीढ़ी से उतरे, नहीं बल्कि हम तो यहीं बैठे हैं भाई, हमको ले। हाँ बाय, मैं जा रहा हूँ, चाचू आ रहे हैं अभी, इसको पता है चाचू के बगैर नहीं जाना, ऊपर देख रहा है। इसके काम चेक करो अब जरा, अब नीचे इसको घसीट के लाए हैं, अभी देखना इसने रोना है। जब हमने निकलना है ना, तो इसने ऐसा रोना डालना है ना, इसने सही में रोना डालना है कि मुझे भी साथ लेके जाओ। फिर से निकल चुके हैं, टाइम क्या हो गया रही? टाइम हो गया है 7:30। 7:30 मतलब हमारा वहाँ पे टाइम था जो दावत का, वो 8 बजे उन्होंने हमें बुलाया था, मतलब हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। फोग है हल्की आँच पे, और है रात के टाइम इस वक्त जो है ना, वो जरा थोड़ा ब्लर विजन हो जाता है लाहौर की सड़कों पे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं आपको। अदीब साहब अभी जा रहे हैं केक शेक लेने के लिए। चले जी अदीब केक शेक लेके आ गए, अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से डायरेक्ट उनके घर, लेट्स गो। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अब जरा खुद को सेट वेट कर लें, अब हम निकलते हैं भाई। इसमें ये जो मेरे पैर हमेशा अटक जाते हैं ना, अब मैं इतनी हील्स तो पहन आई हूँ ना, मेरे पैरों का अल्लाह मालिक है। दिख रहा है इनके घर तो डॉगी है छोटा सा। हाय आपको डर लगता है? तो बड़ा डर लगता है। हैं छोटा सा डॉगी है, अरीब को डर लगता है? मुझे नहीं लगता है, मौके छोटा नहीं है, कितना है बड़ा दिखाए, सुकून सुकून से जाए ना। चलते हैं, लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके थे, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम नए नए ब्यूटीफुल कपल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हाँ जी आपके कह रहे स्टैटिकली इतना प्यार लगा, मैं दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस खाने की बात करें, जो कि आयशा ने सारा खाना खुद बनाया है। आयशा आप तो यार आयशा इज वेरी सुगर यार, मुझे ना 2-3 लुक में खाने चाहिए ताकि मुझे थोड़ा असर हो। सही है, ये देखो यार, ओ माय गॉड। बताओ मैं जो कह रहा हूँ सही बात है ना, कि कितना अरे इसको खाते नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। एक उधर बैठे उधर जिसका फोटो शूट कराते हैं और घर चलते हैं। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, होना क्या है, होना ये है कि यहाँ पे वीडियो बना लो, फिर वो छोटे किचन में हमारा खाना कच्ची रोटियाँ सही है, रोटियाँ है साथ दाल है, कोई टेंशन नहीं ना, इसकी वीडियो बना सकते हैं आप, इसके साथ ही फोटो शूट कराते हैं। आपने खुद बनाया तो इसका टेस्ट मजे का होगा फॉर श्योर। नहीं आयशा एक्चुअली मेक्स वेरी गुड। आप नहीं बनाते, आपको तो खाने बनाते हैं, स्टोरीज मैंने आपकी देखी है। अगली बार तुम लोग आओगे तो मुझे बताना, मैं बारबेक्यू बनाऊंगा। डन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यार भाई हम लोगों ने खाना शाना खा लिया, और क्या मजे का खाना बनाया आयशा ने। आयशा यार कमाल कर दिया आपने तो। एक सेकंड दिख रहा है सर अपनी ओवर ये स्पाइसी था यार, जान मुझ के तंग कर रहे यार। नहीं वैसे खाना बहुत मजे का था, बहुत मजे का। पास्ता मैंने नहीं खाया, पास्ता जस्ट जस्ट ने भी
सिखाया इतना इतना सिखाया क्योंकि ये जो मिर्ची है ना, मिर्ची है ये जो, ये मिर्ची है ये बस, हाय मिर्ची, ये वो हो गया था, ज्यादा हो गया। अब बारी है किसकी, मीठे डिलाइट की, आयशा डिलाइट। ये आयशा डिलाइट है यार। ये आयशा पता नहीं किस तरह बनाती है, लेकिन जब मैंने ये पहली दफा खाया था तो मैंने कहा ये इसका क्या नाम है, कहती पता नहीं, मैंने तीन चार चीजें मिक्स करके बना दी, मैंने कहा परफेक्ट, दिस इज आयशा डिलाइट। आयशा डिलाइट मेरे रेस्टोरेंट, ये उस पर इंट्रोड्यूस कराए और ये भी मैं खा के बताती हूँ कि ये कैसा है। एक्चुअली लाइव खाओ और रिएक्ट करो तुम्हें पता लगेगा। ओके, आयशा डिलाइट्स को पता है कि आयशा का डिलाइट नीचे तक नहीं। आयशा ने कहा मेरा डिलाइट आधा अधूरा क्यों खाया जाए भाई। I'm getting खाओ ना, एक रह गई थी, स्पून चाहिए। वो देखो, वो देखो, वो देखो, कैसे खा है, उंगली उंगली से। कैसे शावीर चाह रहा था कि तुम ऐसे करो, तुमने कर दिया। शावीर, आई एम वेरी वो कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। अब हम खाते हैं भी चम्मच से। बताओ कैसा लगा लाइव रिएक्शन। यार बहुत मजेदार, मेरी बिस्किट है इसके अंदर। हां, ओह यू कैन टेल, आई कांट टेल, सब में क्रीम है, ओए वो केक है। चलो एंजॉय करो। और मीठा बहुत सटल है, वरना बहुत मीठे मीठे लोटस के होते हैं, ये वो नहीं है। हां नहीं नहीं, दिस इज लाइक वेरी लाइट मीठा, इट्स लाइक परफेक्ट फॉर मी। हम लोगों ने चाय शाय भी पी ली थी, मीठा शीठा भी खा लिया, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है। और अभी जो है वो आयशा जरा चीज़ें समेटने में बिजी हैं, शावीर साहब कुछ और चीज़ें करने में, और मेरे हस्बैंड साहब को बहुत नाक बंद हो गया है। ये आवाज़ ही बदल गई लग रहा ना। गाना सुनाई इस आवाज़ में। गाना मैंने ग्रीन टी पी है, फिर जाके थोड़ा सुकून हुआ, अदरवाइज मेरा इतना बुरा नाक हुआ हुआ है। इतना बुरा नाक तो नहीं है, इतना अच्छा प्यारा नाक है। आजकल सर्दियां पूरी जब स्टार्ट होती है ना, तो हर किसी के साथ ही होता है, एक साइड या तो बंद होती है। अब मेरी जाना, जब मैं सुबह उठूंगी ना, फिर देखना मेरा गले की बैंड बजी होगी और एक साइड बंद होगी। तो आप लोग भी ना अपने इस मौसम में ख्याल रखें। बाहर आप जिसको धुंध समझे वो स्मोग है एक्चुअल में, तो उस चीज का आपने ख्याल रखें। यस, डॉक्टर इकरा कवल की बातों को भी फॉलो करें। बीच में छोटी छोटी आपको हेल्थ रिलेटेड बातें भी बताया करूंगी। अभी खैर हम लोग वेट कर रहे हैं उनका, आते हैं फिर गपशपे लगाते हैं। लोग कोशिश कर रहे थे नाकाम फोटोज लेने की, यकीन करो मजा आ रहा है कि अच्छी फोटो एक भी आ गई। मेरी लाइट की वजह से बहुत अच्छी। इसकी वजह से बचत होगी, वरना तो कुछ नहीं। बचत, यस सीरियसली बचत। एक इसकी वाली भी कोशिश की। लवी लवी शो यू होल्ड ऑन वन सेकंड। वो बहुत फनी है। वाह, अब लाइट आयशा ने सही पकड़ी है। ये चेक करना, आप लोग एक्चुअली सरप्राइज होंगे कि भाई इतना टैलेंटेड हो चुका है कि चार लोगों का मुंह फिक्स कर दिया था इसके अंदर, इस 2 इंच के शीशे में। Thank you for coming. Thank you, Aisha. बहुत आज हमारी discussions हुई हैं। Oh, my ये discussions अल्लाह करे किसी को ना पता लगे। This is a gift for you guys क्योंकि तुम लोग एक नए घर में मूव हुए हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी और आयशा की तरफ से कोई प्रैंक लग रहा था कि कुछ ऐसा गिफ्ट हो जो कि देसी भी हो और वलायती भी हो, बिल्कुल परफेक्टली मैचेस योर पर्सनैलिटी। यादों के लिए आप लोग हमारे पास डिनर पे आए थे। वैसे कोई ऑफिशियल गिफ्ट है नहीं, लेकिन यही ले जाओ। अनऑफिशियल गिफ्ट भी, अनऑफिशियल, दिस इज ऑफिशियल भी आएगा, आएगा। बहुत मजा आया, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना हंस के जाएंगे, मगर हंस गए हैं यार। आयशा ने बहुत फॉर लाइक 4-5 hours, यस, ये हमने ऑनेस्ट आवर की बजाय ऑनेस्ट 4 घंटे का फोर किया, ऑनेस्ट 4 ऑनेस्ट 4 किया। या ओके गाइस, अब हम लोग निकलते हैं। रीप ड्राइव सेफ, बहुत ज्यादा फोग है वो कह रहे हैं। मैं सेफ ही चलाता हूं। यस आई नो, बड़ी एक्सीडेंट करवाया मैंने फोग में। वो डकी भाई का बर्थडे और ये वही मौसम है, बिल्कुल बहुत मजा आया है और बहुत इंजॉय किया है। मेरी, मैं थोड़ा डल फील कर रही थी जब मैं आई थी, बट नाउ आई एम वेरी एनर्जेटिक। यानी कि हम पहली बार प्रॉपर कन्वर्सेशन होने की, इतनी लंबी कन्वर्सेशन, बहुत अच्छा लगा मिलके। सेम यार, अब चलते हैं घर की तरफ, लेट्स गो। ओह माय गॉड, ये विजिबिलिटी चेक करें, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। ओस और धुंध दोनों गिरते हुए दिख रही हैं। ओस और धुंध दोनों गिरते हुए दिखती हैं। अलग अलग कैसे गिरती हैं यार वो देखो, अभी एकदम मतला साफ हो जाता है और आगे जाते हैं तो एकदम गहरा। बहुत ज्यादा हो गई है। अब हम लोग ना सुकून से बस
धीमी धीमी गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं क्योंकि अभी हम रिंग रोड पे हैं एंड सबने डबल इंडिकेटर ऑन किए हुए हैं. लेट्स सी घर हम कितने टाइम में पहुंचते हैं. टाइम ज्यादा लग जाएगा बट आराम से पहुंचते हैं तो चलते हैं. गाइस फाइनली हम लोग रिंग रोड से बड़ा सेफली पहुंच चुके हैं. अब अरीब बड़ी मुश्किलों से पहुंचे हैं. बड़ी मुश्किलों से पहुंच गए हैं लेकिन सही पहुंच गए. अब यहाँ पे फोग नहीं है तो मम्मा की तरफ ले जाएं. चलाक कहती यहाँ पे फोग नहीं है मम्मा की तरफ ले जाएं. बहुत ज्यादा फोग है. अरे अब नहीं है उस साइड पे फिर हो जाएगी. मुझे पता मैं कह रहा हूँ कल ले जाऊंगा. कल सुबह चले जाऊंगा प्रॉमिस. ड्रामे लगा रहे अभी. जब कहोगी इकरा ले जाया करूंगा मामा की नहीं लेके जाता. अब नहीं ले अभी लेके जा रहा है मुझे. जेन्युइन अभी तुम अभी यहाँ से उधर मुड़े उधर तुम्हारे सामने अभी तो सीधा तुम्हारे सामने इतनी फोग थी. मैं सुबह ले जाऊंगा प्रॉमिस प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस. तुम्हारे सामने प्यार हुई हूँ मम्मा को दिखाऊंगी. मम्मा देखो कैसी लग मम्मा सो गई होंगी. मम्मा जल्दी मम्मा टाइम सोने वाली औरत है. नहीं है टाइम सोने वाली औरत. आजकल है ना लाइन पे. आजकल तो मुझे भी परेशान कर देती है. सारे काम कर रही होती है. मैं कह रहा हूँ इकरा कि वही इकरा है जिसने मेरी शादी की. आपको लगता है भाई औरत जो होती है ना जो उसका घर अपना होता है ना तो वो बड़े प्यार से उसको सजाती है. नजर ना लगे नजर ना लगे. चले उधर को जाए ना उधर जी वापस जा रहे. यार ये लड़का कितना चिल्ला के बस हम 5 मिनट में अपने घर पहुंच रहे हैं. मैं कल ले जाऊंगा प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस. जी गाइस हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली घर पे. और अल्लाह इतनी फोग है ये देखें कि चलती फिरती फोग आपको दिख रही है. जीरो विजिबिलिटी. अरीब साहब जो है वो सारे घर के दरवाजे शरवाजे बंद करके सब चीजें करके ही आएंगे. अरीब ना ऊपर आएगा. अभी ये वाला दरवाजा लॉक है तो मैं उसको डराऊंगी इसलिए फ्लैशलाइट बंद करती हूँ. मैंने फ्लैशलाइट ऑफ किया स्पेशल स्पेशली. मैंने फ्लैशलाइट ऑफ किया है कि मैं इस लड़के को डराऊंगी. ये चिल्लाक मुझे पता है जी गाइस मैं आ चुकी थी घर. मैंने चेंज वेंज कर लिया. अब सिर्फ अपना मुंह का मेकअप रिमूव करना है और फिर जाना है मैंने. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़.